और अभी आगे बढ़ते बात करते हैं पांचवें चरण की मतदान की, क्योंकि इसी चरण में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा भी होने वाली है। दरअसल अमेठी और रायबरेली में पांचवें चरण में चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी से कांग्रेस तक पूरा जोर लगाते हुए हम देख रहे हैं तमाम प्रत्याशियों को। एक तरफ सीएम योगी अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी सियासत की विरासत बचाने के लिए अमेठी रायबरेली में डेरा जमा चुकी है ताकि 2019 वाली गलती ना हो सके। देखिए रिपोर्ट। पांचवें चरण की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां सबकी नजर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी पर टिकी है। बात विकास बनाम परिवारवाद की हो रही है और बड़े बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनाधार जुटाने के लिए मंच पर उतर चुके हैं। दरअसल दूसरी बार जीत के लिए स्मृति ईरानी अमेठी में अपना घर बना चुकी हैं, तो प्रियंका गांधी पिछले कई दिनों से रायबरेली में डेरा डाल चुकी हैं, ताकि रायबरेली के साथ अमेठी तक अपनी पकड़ बना सकें। लेकिन जो तस्वीर आज अमेठी के जगदीशपुर से आई, वो कांग्रेस के लिए चुनौती से कम नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट मांगने के लिए खुद सीएम योगी जनता के बीच नजर आए। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का जो परिवार यहां से प्रतिनिधि बनकर के सांसद बनकर के जाता था, देश का नेतृत्व करता था, अगर उनके सभी कार्यकालों को मिलाकर के देख लिया जाए तो वह उतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार मात्र 5 वर्ष में स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किए हैं। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि स्मृति जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ये देश को प्रमाणित कर दिया कि लोकतंत्र में जमीन पर रहकर जब संगठन और सरकार काम करती है तो बड़े बड़े शहजादों की किले को ढाने की हिम्मत सामान्य वोटर में आ जाती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, और इस मुकाबले को और खास बनाने के लिए खुद प्रियंका गांधी छोटी छोटी जनसभा के जरिए जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश इसलिए क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण से लेकर संपत्ति बंटवारे को मुद्दा बना दिया है। उनके स्तर के व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, तुम्हारे गाय तुम्हारे वो भैंस चुरा लेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री के स्तर की बात है ये कि आपके गहने हैं, कांग्रेस पार्टी एक्स्ट्रा लाएंगे, अपने घरों में घुसेंगे, आपके मंगलसूत्र आपका सोना ढूंढेंगे एक्सरे की मशीन से और उसको लेके किसी और को दे देंगे। आपके पास दो घर है तो एक घर ले जाएंगे, आपके पास दो गाड़ी है तो दो गाड़ी ले जाएंगे, और दो भैंसे हैं तो एक भैंस ले जाएंगे। अमेठी और रायबरेली की पिक्चर किसके लिए हिट, किसके लिए फिट बैठने वाली है, इसे वोट प्रतिशत से भी समझा जा सकता है। अमेठी में 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को समझें तो बीजेपी को 49% वोट मिले, वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को महज 43% ही वोट मिले। बात रायबरेली की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 55% वोट मिले, जब सोनिया गांधी चुनाव मैदान में थी, और बीजेपी 21% से 38% वोट शेयर पर पहुंच गई। यानी जब राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़े तो उनकी करारी हार हुई। तो अब राहुल गांधी की डगर अमेठी छोड़ रायबरेली है, जहां सोनिया गांधी को मिले वोट प्रतिशत को बचाने के साथ विरासत की सियासत को कायम रखने की डबल चुनौती है, और इसी कोशिश में प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में डेरा जमा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।